सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन के डायलर को चेंज कर सकते हो। इसके साथ में आप कॉन्टेक्ट लिस्ट को, कॉल हिस्ट्री को और कॉलर स्क्रीन को भी चेंज कर सकते हो। आप यहां पे देख सकते हो मैंने अपने फोन के डायलर को चेंज कर रखा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। सेम इसी तरह आप भी अपने फोन के डायलर को चेंज करके बैकग्राउंड में फोटो को सेट कर सकते हो। अगर दोस्तों यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कॉल हिस्ट्री जो है वो भी चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड में फोटो दिख रहा है, जो कि देखने में काफी मजेदार लग रहा है। ठीक है, यहां पे आप कॉन्टेक्ट लिस्ट को भी देख सकते हो, बैकग्राउंड में जो फोटो है देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह गाइस आप भी कॉन्टेक्ट लिस्ट को चेंज कर सकते हो। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी कॉल करेगा तो जो कॉलर स्क्रीन है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, बैकग्राउंड में आप फोटो को सेट कर सकते हो, जो भी देखेगा एक बार चौंक जाएगा कि यार भाई आपने एक साथ इन सब चीजों को कैसे चेंज किया। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन से इन चार चीजों को चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसको चेंज करना है, बैकग्राउंड फोटो को आपको कैसे सेट करना है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब आपको सबसे पहले अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। इसके बाद आपको यहां पे सर्च करना है माई फोटो फोन डायलर। अब गाइस आपको यहां पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, 4.0 की काफी अच्छी रेटिंग है, 10 मिलियन से भी ज्यादा बार ये डाउनलोड किया जा चुका है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए मैं आपको इसके सेटअप के बारे में बताता हूं कि कैसे आपको इसमें सेटअप करना है, कैसे आपको अपना फोटो सेट करना है। आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, आपको इस तरह यहां पे टच करना है। अब गाइस आपको यहां पे कुछ परमिशन अलाउ करने होंगे। ठीक है, आपको ओके करके परमिशन को अलाउ करना है। आपको यहां पे चार परमिशन अलाउ करने होंगे। ठीक है, एक एक करके आपको इस तरह अलाउ कर देना है। तो दोस्तों यहां पे हमने सभी परमिशन अलाउ कर दिया। ठीक है, अब आपको यहां पे बैक आना है। तो दोस्तों अब आपको अपने फोटो को सेट करना होगा। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का अलग ही तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा, यहां पे आपको एक दो एड्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको एड को कट कर देना है। अब गाइस आपको यहां पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, डायलर, कॉलर। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉलर के बैकग्राउंड में अपना फोटो सेट करना है। ठीक है, आपको कॉलर पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना है, आपको यहां पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे पिक इमेज पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको फिर से पिक इमेज पे क्लिक करना है, आपके फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहां से उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिसको आप बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो। जैसे यहां पे हम इस फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने फोटो को सेलेक्ट कर लिया है, आपको इस तरह क्रॉप करके इसको सेट कर लेना है। अब आपको यहां पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहां पे हमारे कॉलर स्क्रीन के बैकग्राउंड में फोटो सेट हो चुका है, आपको ओके पे क्लिक करना है, आपको एक एड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको एड को कट कर देना है। तो दोस्तों हमारा जो फोटो है वो कॉलर के बैकग्राउंड में सेट हो चुका है। ठीक है, अब हम बैक आते हैं। आप यहां पे देख सकते हो जब हमारे पास कॉल आएगा तो हमारा जो कॉलर स्क्रीन है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब हम डायलर को चेंज करेंगे, डायलर के बैकग्राउंड में फोटो को सेट करेंगे। अब दोस्तों आपको यहां पे डायलर पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पे क्लिक करना है, आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, आपको पिक इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर से पिक इमेज पे क्लिक कर देना है, आपके जो फोन की गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहां से कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप डायलर के बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो फोटो है ये डायलर, कॉन्टेक्ट और कॉल हिस्ट्री के बैकग्राउंड में शो होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप फोटो को सेलेक्ट करना। जैसे यहां पे हम ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह आपको फोटो को क्रॉप करके सेट करना है। फिर इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहां पे हमारे डायलर के बैकग्राउंड में फोटो सेट हो चुका है, आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपको ऐड को कट कर देना है। तो दोस्तों हमारा जो डायलर है वो चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो डायलर के बैकग्राउंड में फोटो सेट हो चुका है। अब हम इस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। अब हम अपने डायलर को ओपन करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो हमारा जो डायलर है देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है।
सेम इसी तरह गाइज आप भी अपने फोन के डायलर को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में फोटो को सेट कर सकते हो। जब आप इस तरह यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे आपका जो कॉल हिस्ट्री है वो भी शो हो जाएगा। एक बार आप जब और स्लाइड करोगे तो आपका कॉन्टैक्ट दिख जाएगा, ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम इसी तरह गाइज आप इन सब चीज़ों को एक एप्लीकेशन से चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।